नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का निधन। घर के बाहर टहलते वक्त अचानक आया हार्ट अटैक। कांग्रेस में शोक की लहर। जांजगीर चांपा जिले की कद्दावर कांग्रेस नेता और राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का 62 साल की उम्र में शनिवार की सुबह निधन हो गया। वे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। इस दौरान गाय को पानी पिलाते वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया। वे लंबे समय से डायलिसिस पर भी थी। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। शशिकांता राठौर इससे पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी है। अपने कार्यकाल के दौरान संगठन से जुड़े कड़े फैसले लेने के लिए वे जानी जाती थी। लगभग 4 दशक तक उन्होंने जिले में कांग्रेस की सक्रिय राजनीति की। शशिकांता राठौर को एक बेहतरीन अधिवक्ता के रूप में भी पहचाना जाता था। अपनी वकालत के दौरान भी वे जनसहायता के लिए हमेशा तत्पर रहीं। राज्य महिला आयोग की सदस्य बनने के पहले से सुश्री राठौर नियमित रूप से परिवार परामर्श केंद्र में वरिष्ठ सदस्य के रूप में भी सक्रिय रहीं और परिवारों को जोड़ने में उनका अहम योगदान रहा। शशिकांता राठौर का जिले की राजनीति में अच्छा खासा दखल था। वार्ड चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सक्रियता देखते ही बनती थी। उनकी पकड़ समाज के हर वर्ग में थी। वे कभी भी सामाजिक राजनीति की पैरोकार नहीं रही। सभी को साथ लेकर चलने और सबकी जिम्मेदारी तय करना उनकी खासियत रही। शशिकांता राठौर वकालत के पेशे को जनसेवा का माध्यम मानती थी। वे अक्सर लोगों को निशुल्क परामर्श देकर समझौता कराने के पक्ष में रहती थी, ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो और पारस्परिक सद्भाव बना रहे। कांग्रेस नेत्री के निधन से प्रदेश में शोक की लहर है। कांग्रेस ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उनके निवास पर स्थानीय नेताओं और आम लोगों की भीड़ है। सभी अपनी नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं।